Take my eyes open to force reality. Hi guys and welcome back to another new video on my YouTube channel. मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पापराज़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2020 Hyundai Verna facelift के टॉप वेरिएंट के बारे में। ये जो वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। सो आप अपनी स्क्रीन के सामने इसकी हेडलाइट देख पा रहे होंगे जो है फुल LED। मैं थोड़ी देर में इसको आपको ऑन भी करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए लेट्स मूव ऑन टू द डिज़ाइन ऑफ द कार। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं गाइस। और ये जो हाउसिंग है दिस इज़ नॉट फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल हाउसिंग है, ये ओनली डिज़ाइन एलिमेंट है एक टाइप से। यहाँ पर आपको नीचे क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाता है और ये एयर डैम भी बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर आपको फैमिली ग्रिल देखने को मिल जाती है Hyundai की, जो है कैस्केडिंग ग्रिल। यहाँ पर आपको क्रोम का फिनिश भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज़ माई फ़ोन, क्योंकि आज मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट हाउसिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कार के फ्रंट प्रोफाइल की मैं आपको लुक्स दिखा देता हूँ भी, जो बहुत ही अच्छी दिखती है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन, ये है 1.5 लीटर का MPI इंजन, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 1497 cc, और ये 4 सिलेंडर यूनिट है। इसकी जो मैक्स पावर है दैट इज़ 113 bhp एट 144 Nm ऑफ टॉर्क। ये बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बोनेट इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, जो अगेन अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू द साइड ऑफ द कार, मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो जाऊँ। एंड ये अलॉय व्हील्स हैं कार के, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एज दिस इज द टॉप मॉडल। ब्रिजस्टोन के इसमें टायर देखने को मिलता है आपको भी। दिस इज R16 अलॉय व्हील्स, सो ऑल दो इट लुक्स गुड। यहाँ पर आपको ऑटो की बैजिंग देखने को मिल जाती है साइड में। एंड टॉकिंग मोर अबाउट द कार, यहाँ पर आपको फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल साइड मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं, एज दिस इज द टॉप मॉडल। साइड प्रोफाइल सेम ही रहती है नई वरना की एज द ओल्डर वन। क्रोम फिनिश्ड आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है 165 mm की, जो ऑलमोस्ट इज़ इनफ फॉर दिस साइज ऑफ अ कार। और यहाँ पर आपको फ्यूल लेड देखने को मिल जाती है। मूविंग ऑन टू द रेयर, रेयर में आपको टेल लाइट्स भी थोड़ी बहुत रीप्रोफाइल देखने को मिलती है। बाकी डिज़ाइन तो सेम है टेल लाइट्स का। यहाँ पर आपको वरना की बैजिंग देखती को मिल जाती है। यहाँ पर नंबर प्लेट हाउसिंग, यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो, यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स ऑफ कोर्स। और चीज़ के बारे में बात करें, आप बम्पर के फिनिश के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको अगेन नॉन फंक्शनल एयर डैम मिलता है, ये फॉर डिज़ाइन एलिमेंट ओनली। यहाँ पर आपको रफ रगेड टाइप सा बम्पर देखने को मिल जाते हैं, विच गिव इट अ गुड लुक। क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाता है विद रिफ्लेक्टर्स इन द रेयर, और बीच में आपको डिफ्यूजर वाला डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है, जो अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। S6 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रेयर में आपको डिफॉगर भी मिल जाता है एंड शार्क फिन एंटीना एज वेल। और चीज़ों के बारे में बात करें गाइस, आपको जो रेयर में इसके टॉप मॉडल में मिलती है ब्रेक्स, दैट इज़ ड्रम ब्रेक्स, फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी। हालांकि अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं उसमें आपको रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। सो टॉकिंग मोर अबाउट द कार, मैं अभी आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। सो लेट्स ओपन द बूट राइट अवे। सो इस कार की बूट कैपेसिटी जो है दैट इज़ 465 liters की। एंड अब मैं आपको स्पेयर व्हील भी दिखा देता हूँ कार का। दिस इज़ R15। सो ये है कॉस्ट कटिंग अ लिटिल बिट। यहाँ पर आपको लैंप्स अभी मिल जाता है देखने को। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरेज भी विजिबल है, जैसे कि आप अब देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है। आपको रेयर में कर्टन भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लेंथ के बारे में बात करें कार की, तो इसकी जो लेंथ रहती है गाइस दैट इज़ 4440 mm की। विड्थ रहती है 1729 mm की। हाइट रहती है 1475 mm की। व्हील बेस रहता है 2600 mm का। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ 45 liters। चलिए अब कार के अंदर मूव ऑन करते हैं। और इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिल जाती है, बिकॉज दिस इज़ द टॉप वेरिएंट। मैं आपको इसकी LED हेडलाइट दिखाना चाहता था। ये देखिए, अभी ये लो बीम में है और बहुत ही अच्छी लग रही है, मगर अभी दिन का टाइम है इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। LED DRL भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हैं इसमें गाइस। ओवरऑल कार इज़ वेरी अमेजिंग। सो गाइस, ये है कार के टेल लाइट्स का डिज़ाइन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी लग रही है LED टेल लाइट्स। ओवरऑल अगेन द कार इज़ वेरी अमेजिंग। इससे पहले हम अंदर मूव ऑन करेंगे गाइस, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको शार्प सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड
यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाते टू लॉक एंड अनलॉक द कार, अगर आपके पास कीज है कार की तभी। एंड यहाँ पर आपको अगेन क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। मूविंग ऑन टू द इंटीरियर, आपको साइड में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट, बैक रेस्ट एडजस्टमेंट का भी देखने को मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग एंड फ्यूल लिड ओपनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बोनेट ओपनिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आपको लाइट वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी सी फिनिश देखने को मिलती है। एज दिस इज द पेट्रोल टॉप मॉडल, इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर नहीं मिलता विद रेड इंसर्ट्स, वो सिर्फ आपको टर्बो वेरिएंट में ही मिलेगा जो अगेन टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है। एज दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन, यहाँ पर आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों देखने को मिल जाते हैं, और इस वेरिएंट में और भी काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द इनसाइड। सब आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज़ ऑल डिजिटल, तभी अभी ये ऑन नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा, मगर अभी आप डोर का देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आ रही है सामने कि वन डोर इज़ ओपन। सो ये है कार का स्पीडोमीटर फुल डिजिटल गाइस, देख पा रहे होंगे आप कितना अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर अभी लाइट्स भी ऑन हो गई है, ये ऐसी नाइट टाइम में आपको ऐसी लाइट्स दिखेंगी इसमें कुछ, विच इज़ ड्राइवर साइड। सो अब हम ड्राइवर साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फोल्डिंग एंड एडजस्टिंग साइड मिरर्स का बटन देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक का भी बटन, विंडो लॉक का बटन और फोर पावर विंडोज़ के भी बटन। ओवरऑल इसका भी फिनिश बहुत अच्छा है, साइड डोर हैंडल फिनिश। एंड स्टेयरिंग व्हील भी आपको लेदर स्टेज देखने मिल जाते हैं विद ऑडियो एंड म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल। और ऑन द राइट साइड गाइज आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑन द स्टेयरिंग व्हील। इसमें जो स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट मिलती है दैट इज ओनली टिल्ट सी गाइज, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। एयरबैग ऑन दिस साइड, ऑन द को ड्राइवर साइड ऑल्सो, इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं, वहाँ पर भी एयरबैग लिखा हुआ है। एंड टॉकिंग मोर अबाउट द कार, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स का फिनिश इसमें चेंज मिलता है बिकॉज दिस इज़ अ फेसलिफ्ट ऑफ कोर्स। यहाँ पर आपको बड़ी टच स्क्रीन देखने मिल जाती है 8 इंच की HD टच स्क्रीन। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन कंट्रोल्स के बटन देखने मिल जाते हैं, ट्यून एंड पावर एंड मोर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, यहाँ पर हैजर्ड लाइट्स का बटन देखने को मिल जाता है ये देखिए। एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। एंड यहाँ से USB का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस आपको, ये देखिए ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं यूज़ करनी है वायरलेस चार्जिंग, ये देखिए। एंड लेट्स प्लेस इट बैक अगेन, ये जैसे ही प्लेस्ड था सो दिस इज़ प्लेस्ड नाउ, और इसको ऐसे फिट कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है ये USB का भी ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको। एंड इसको भी कीज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है ऑफ द कार, और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। फॉर द को ड्राइवर एंड पैसेंजर आपको बीच में हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है विच हैज द गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है इसमें एंड ये स्लाइडेबल नहीं है। एंड डैशबोर्ड के बारे में बात करें, डैशबोर्ड भी ठीक साइज़ का है, मीन्स ग्लव बॉक्स एंड ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। सो अगेन ओवरऑल फिनिश कार की बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक रेयर व्यू मिरर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको SOS का बटन, टोइंग का एंड ब्लू लिंक का भी ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ अ 4 कनेक्टेड कार बाय Hyundai। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको सनरूफ का भी मिल जाता है बटन टू ओपन इट बिकॉज इट हैज़ अ सनरूफ, यहाँ से आप ऐसे क्लोज कर पाएंगे सनरूफ। अगर मैं आपको इसकी सनरूफ ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे ओपन होती है, देखिए अगर आपने व्यू देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो दिस इज हाउ द सनरूफ ओपन, जब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से इट इज़ ऑल क्लोज, अब यहाँ से आपको मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा। इसके अगर हम सन वाइजर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे इस, तो आपको यहाँ पर भी ड्राइवर साइड भी एक मिरर देखने को मिल जाता है विच इज़ ओपनेबल, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी। एंड को ड्राइवर के साइड भी आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग। तो बीच में भी आपको डोम लाइट मिल जाती है देखने को एंड डोर हैंडल्स ऑफ कोर्स होते ही हैं नॉट फॉर द ड्राइवर। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है इस कार में विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक सिस्टम। आपको वैसे मैं अगर म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरेज देखने को मिल जाती है आपको बॉटल होल्डर वगैरह की विच इज़ आई थिंक गुड फॉर 500 ml बॉटल। सो यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए हाउसिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको
ट्विटर के लिए मिल जाती है, सेम गोज फॉर द अदर साइड, वो देखो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है ट्विटर की हाउसिंग और स्पीकर की भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूज़िक सिस्टम, और ये है इसका म्यूज़िक सिस्टम। अभी मैं आपको कोई म्यूज़िक चला के दिखाऊंगा इसमें, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसा साउंड क्वालिटी है इस कार में मिलती हमें। सो लेट्स कनेक्ट वाया ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्शन। तो ये देखिए मेरे फ़ोन में आ चुकी है, वरना इसको करेंगे हम कनेक्ट पेयर। NCS साउंड ढूंढेंगे हम, ताकि मुझे कॉपीराइट्स भी ना आए इसमें। सो हियर इट, इधर से फुल वॉल्यूम कर देंगे। सो लेट्स सी, अभी इधर वॉल्यूम आ नहीं रही। एसकेमी साउंड मोड भी देखने को मिल जाता है इसमें। यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखिए वॉल्यूम डाउन होगी। यहाँ से ऐसे आप डिक्लाइन वगैरह वगैरह मोड भी चेंज कर पाएंगे यहीं से, FM, AM एंड अगेन ब्लूटूथ। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है इसकी। एंड अगर हम वायरलेस चार्जिंग के बारे में बात करें, तो मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको चार्जिंग का आइकॉन देखने को मिल जाता है, 51% चार्जिंग। ये वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये देखिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेयर ऑफ द कार गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू द रेयर सीट, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली थी, तो देख पा रहे होंगे लेग रूम भी बहुत ठीक ठाक मिल रहा है। एंड हेडरूम के बारे में बात करें, मैं अभी मूव ऑन करूँगा हेडरूम पे भी। एंड यहाँ पर आपको रेयर एसीमेंट देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत अमेजिंग है। एंड यहाँ पर आपको एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है फॉर चार्जिंग योर फ़ोन। यहाँ पर आपको बैक पॉकेट ऑन द ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों मिल जाती है। एंड ओवरऑल पैसेंजर डोर्स पे भी आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर 500 ml का, आई गेस। यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर साइड ऑल्सो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। रेयर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो अभी एक टाइप से क्लोज्ड है बिकॉज द सीट्स आर कवर्ड। तो मैं अभी आपको उसको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा नहीं पाऊँगा। हेडरूम कुछ इतना रहता है, जो इज वेल इनफ फॉर मी। माई हाइट इज 5'4". सो गाइस, इससे पहले इस वीडियो को मैं एंड करूँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने कोई नई Hyundai कार लेनी है, स्पेशली नई वाली Hyundai Verna लेनी है, मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट मिस्टर अमन शर्मा, जो बर्कले Hyundai पंचकुला इन फेस वन के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है। मैं उनका नंबर जो है, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं डायरेक्शंस भी डाल दूंगा, अगर आप लोगों को डायरेक्शन चाहिए टू रीच बर्कले Hyundai इन फेस वन पंचकुला।